हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका के मैच के बारे में। वीडियो के अंत तक देखिए। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा मेरे हिसाब से यह मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी। तो इस वर्ल्ड कप में मेरे अभी तक सिर्फ दो प्रेडिक्शन रॉन्ग गए हैं, तो इस वीडियो में भी मैं अपनी तरफ से सबसे बढ़िया प्रेडिक्शन देने की कोशिश करूंगा। सिर्फ दो प्रेडिक्शन रॉन्ग गए हैं, बाकी के सारे प्रेडिक्शन राइट आए हैं। तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख दीजिए ताकि आपको अगले मैच का वीडियो भी मिल जाए। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, उनका कैंपेन रहा है बढ़िया। सिर्फ एक प्रॉब्लम देखी जाए तो वो है डेविड वार्नर, जिस स्ट्राइक रेट के साथ अपनी इनिंग प्ले कर रहे हैं, और उसके अलावा दूसरे बैट्समैन का फॉर्म जैसे कि उस्मान ख्वाजा का फॉर्म उतना अच्छा है नहीं। और इसी के अलावा इनको एक और प्रॉब्लम जो सताएगी वो होगी मार्कस स्टोइनिस का ना होना। यहाँ दोस्तों मार्कस स्टोइनिस इस समय वर्ल्ड कप से हो चुके हैं बाहर, तो उनकी रिप्लेसमेंट आ चुकी है मिचेल मार्श, जो है ऑस्ट्रेलिया ने बताया है। पर क्या उन्हें मुकाबला मिलेगा या नहीं ये तो इसी मैच में हमें पता चलेगा। उनकी जगह पिछले मुकाबले में मार्कस स्टोइनिस की जगह पर मिचेल मार्श तो नहीं खेले थे, पर उनके भाई शॉन मार्श खेले थे। तो क्या इसी मैच में भी ऑस्ट्रेलिया शॉन मार्श को खिलाएगी ये देखने वाली चीज होगी, या फिर वो मिचेल मार्श की तरफ जाते हैं ये हमें मैच के दौरान ही पता चलेगा। प्रॉब्लम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को ही नहीं है, उनके अपोनेंट श्रीलंका को भी काफी सारी प्रॉब्लम्स है। उनके भी बैट्समैन ने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है। बॉलर्स ने जरूर ठीक ठाक कह सकते हैं हम लोग, कुछ मैचेस में अच्छी बॉलिंग की थी कुछ में नहीं की, पर बैटिंग काफी ज्यादा फेल होती आ रही है। ओपनर्स उतनी अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड नहीं कर पा रहे, और इस मुकाबले में तो और भी मुश्किल होने वाला है क्योंकि उन्हें शुरुआत में ही पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क के खिलाफ बैटिंग करनी पड़ेगी, और वो दोनों तो बढ़िया फॉर्म में। तो ऐसे में देखना पड़ेगा कि श्रीलंका पहले से ही वीक बैटिंग वाली टीम है, उसके सामने जो इतने बढ़िया बॉलर्स आएंगे तो वो कैसे रिएक्ट करती है। श्रीलंका एक चेंज कर सकती है मेरे हिसाब से, यहाँ पे श्रीवर्धना को लाया जा सकता है धनंजय डी सिल्वा की जगह पर, और कोई यहाँ पे चेंज तो मेरे ख्याल से नहीं करेंगे, पर कर भी सकते क्योंकि उतने बढ़िया फॉर्म में है नहीं उनके प्लेयर्स। बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया भी एक ही चेंज कर सकती है श्रीलंका के खिलाफ इस मुकाबले में, जो कि मुझे लग रहा है कि एडम जैम्पा को लाया जा सकता है केन रिचर्डसन की जगह, और दूसरा चेंज ये हो सकता है कि शॉन मार्श की जगह मिचेल मार्श को लाया जाए, पर उसकी पॉसिबिलिटी मुझे तो इस समय लो लग रही है। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये स्ट्रैटर्जी हो सकती है कि श्रीलंका की जो पहले से वीक बैटिंग है उसे उसका जो यहाँ पे फायदा उठाया जाए, और फास्ट बॉलर्स करें बढ़िया बॉलिंग, पार्टनरशिप्स को बिल्ड ना करने दिया जाए। बात करें ग्राउंड की तो ये मुकाबला खेला जाएगा केनिंगटन ओवल लंदन में। पिछले 3 सालों की बात करें तो इस ग्राउंड पे पहले बैटिंग करते हुए एवरेज स्कोर 297 का है, 297 का है, यानी कि लगभग 300 के करीब, तो 300 तो बनाने ही पड़ेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है तो मुझे लग रहा है 300 बनाएंगे, पर श्रीलंका करती है तो उन्हें तो बनाने ही पड़ेंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 300 के नीचे का टारगेट तो आसानी से चेस कर देगी। पिछले 3 सालों में इन दो टीमों के बीच में 6 मुकाबले खेले गए, उसमें से 5 ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे और 1 जीता था श्रीलंका ने, यानी कि साफ साफ है कि ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को पिछले 3 सालों में काफी डोमिनेट करती आ रही है, और मुझे लगता है कि इस मुकाबले को भी ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी। मेरा प्रेडिक्शन है कि ये मुकाबला जीतेगी ऑस्ट्रेलिया। आपको क्या लगता है जरूर से मुझे कमेंट कीजिए। नया चैनल यार दोस्तों, जरूर से मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं हर रोज आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। जय हिंद।